वेलकम टू एक लव्या स्नातक एंड आई एम सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम द फार साउथ यानी कि तमिलकम और संगम एज के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं उसका ये पार्ट सेकंड है और इस पार्ट के अंदर मैं आपको पॉलिटी और इकोनॉमी करवाने वाला हूँ इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट आया था उसमें मैंने आपको काफी अच्छे से इंट्रोडक्शन बता दिया था संगम एज के बारे में बहुत ही अच्छे से और मैं आपको पार्ट्स में इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी तरीके से पूछे जाएंगे कि मतलब पॉलिटी एंड इकोनॉमी के बारे में बताइए और सोसाइटी पे अलग क्वेश्चन आ सकता है ओके तो आपको इसी तरीके से पार्ट में प्रैक्टिस करवाई जा रही है इस चैप्टर के उससे ठीक है तो चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम में हमने ऑलरेडी कंटेंट बना दिया है और इसका आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा हिस्ट्री ईवीएस ए सी सी एम आई एल हिंदी ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी हिंदी मीडियम में पढ़ा दी हैं अब मैं आपको बता दूं सिलेबस के बारे में तो यूनिट वन टू थ्री फोर मैंने कवर करवा दी है फाइव सिक्स मैंने आपको पूरा करवा दिया है यूनिट सेवन का पार्ट टू है पार्ट थ्री में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका जो यूनिट है ये पूरी और यूनिट एट फिर हमारी लास्ट बचेगी तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं आपको बताना चाहूंगा कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपना मैसेज मुझे भेज सकते हैं मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है

यानी कि थ्री क्राउंड मोनार्क्स द चोलास कंट्रोल द फुली इरिगेटेड फर्टाइल कावेरी बेसिन विद देयर कैपिटल एट उरायर ओके अगर चोलास की हम बात करें तो आपको यहाँ पे ये यह देखने को मिलेगा उरायूर ओके और इस तरीके से ये कावेरी का जो रीजन है यहाँ पे ये यह पूरा मतलब अच्छे से फर्टाइल रीजन था तो ये हमारे चोरास का जो है मतलब एरिया हो जाएगा चोलास का फिर उसके बाद है द पांड्यास ओके द पांड्यास रूल्ड ओवर द पेस्टोरल एंड डेटोरियल पार्ट कैपिटल एट मदुरई अब अगर आप पांड्यास को देखोगे तो ये मदुरई कैपिटल के साथ में ये यहां पर थे एंड उसके बाद अगर हम बात करें चेराज हेट देयर स्वे ओवर द हिली कंट्री इन द वेस्ट विद वन जी और जिसको करूर भी कहते हैं कैपिटल ओके तो चेराज को अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं थोड़ा सा हिली एरियाज के अंदर ये पड़ता है तो इस तरीके से ये था मोनार्की वॉज द प्रिविल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ओके okay, मोनार्क्स होते थे द किंग वाज कॉल्ड वेनतन वेनतन कहा जाता था राजा को ही वाज द हेड ऑफ द सोसाइटी एंड गवर्नमेंट एंड एज द हेड ऑफ द सोसाइटी he took the lead in every event of social importance like the festival of indra and inaugurations of dance performance etc okay and the king assumed important titles at the time of coronation काफी ज्यादा वो टाइटल्स लेते थे किंग्स क्योंकि वो अपने आप को गॉड्स के बराबर दिखाना चाहते थे एक डिवाइन सेंसिटिव वो दिखाना चाहते थे फिर है चीफ टेंस कुछ चीफ्स भी होते थे ठीक है दिस नॉट ओनली अ पीरियड ऑफ ग्रेट किंग्स बट देर वर ऑल्सो सम ग्रेट चीफ टेंस हु वर टू द किंग्स एंड दे आर डिवाइडेड इंटू टू वेलीर एंड नॉन वेलीर ओके दो तरीके के यहाँ पे चीफ्स देखने को मिलते थे हमें अब कुछ नाम आपको याद रखने पड़ेंगे सम ऑफ द ग्रेट शीफ ऑफ द पीरियड इंक्लूडेड पलायन मरन ऑफ मोहूर नियर मॉडर्न मधुरई नन्नमन एंडवन कोदई बोथ ऑफ द वेस्ट कोस्ट ऑफ दिस पेनसुला नलिया कोदन ऑफ ओमानदू इन मॉडर्न साउथ एयरपोर्ट एंड तिथियन यानी कि ये जो तिने वाले रीजन से एंड द होल बैंड ऑफ वेलीर शिफट लाइक परी ऑफ पर पालनी रीजन वेल एवी ऑफ़ दू कोई रीजन वेल अवी एंड इुक ऑफ कोदम्बलोर एंड अदर्स नाम आपको थोड़े से लिख के याद करने पड़ेंगे मैं आपको पहले ही बता रहा हूं फिर है एडमिनिस्ट्रेशन नाउ इफ आई टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन सो लेटेस्ट डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी एज डिस्क्राइब बाई द संगम टेक्स्ट द पॉलिस ऑफ द किंग्स वर कंट्रोल बायम ऑफ चेक एंड बैलेंसेज इन द काउंसिल्स अधिक्रम रेफर्स टू द टू टाइप्स ऑफ काउंसिल्स तो so, दो तरीके की कौंसिल्स हमें देखने को मिलती है एम्परन कुल्लू एंड एनपेनम ठीक है द एम्परन कुल्लू और द काउंसिल ऑफ फाइव मेंबर्स वाज द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर्स पांच मेंबर थे मिनिस्टर्स थे एंड द एन पेरेम और द ग्रेट असेंबली यानी कि ग्रेट असेंबली को जिसको कहा जाता है पेरम कंसिस्टेड ऑफ एट मेंबर्स ओके आठ गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते थे This works as an administrative machinery of the states. समझ में आएँ आपको पहले वाले में पांच मेंबर्स जो कि मिनिस्टर्स एंड दूसरी काउंसिल में आठ मेंबर्स थे जो कि ऑफिसर्स थे। These two assemblies, that of the five and that of the eight, functioned as administrative bodies. Though their function was generally advisory in character, however, their advice was rarely rejected by the king. यानी कि advice इन्हीं की मानी जाती थी।

पोटेंशियल सोल्जर्स फॉर ऑल ओवर द कंट्री टू ज्वाइन द रॉयल फोर्स हर किसी के अंदर ये पोटेंशियल थी कि वो फोर्स को ज्वाइन कर सकते थे जब भी जरूरत पड़ती थी और इवन किंग्स भी अपने आप को ट्रेंड रखते थे ऐसी एक्टिविटीज के लिए अब है द किंग मैंटेन ऑल द फोर काइंड ऑफ आर्मीज ये सब संगम लिटरेचर के अंदर मैंशनड है द चेरियट द एलिफेंट द कैलरी ओके द इन्फेंट्री ये सारी जो भी मतलब सेना थी ये थी उनके पास देर आर रेफरेंसेज टू द नेवी ऑफ द चेरा किंग्स ओके द गार्डेड द सी पोर्ट सो वेल दैट अदर शिप्स कुड नॉट एंटर द रीजन और अच्छे से वो सी पोर्ट को मतलब वहां से सिक्योर करके रखते थे कि कोई भी शिप एंटर ना करे द संगम टेक्स्ट ऑल्सो मैंशन अबाउट द आर्मी कैंप ऑन द बैटल फील्ड आर्मी कैंप्स भी हुआ करते थे

and institutions with many aspects. Many rulers sought their origin and association with deities like Shiva, Vishnu, and ancient sages. ठीक है कई लोग ऐसा भी अपना origin बताते थे rulers. Now, according to Tamil legends, there were three Sangams held in ancient South India, popularly called Muchangam. ये मैंने आपको बता दिया था तो अब हम economy की बात करते हैं So economy तीन तरीके से हम यहाँ पे पढ़ेंगे एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड ये तीन चीजों से पैसा आता था ठीक है अब एग्रीकल्चर में क्या है एग्रीकल्चर वॉज द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द स्टेट मेन सोर्स था द इम्पॉर्टेंस अटैच टू कल्टिवेशन इज ऑल्सो सीन इन द इंटरेस्ट पीपल शोड इन कैटल रियरिंग लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे इस चीज़ में द संगम पोएम्स ठीक है फ्रिक्वेंटली रेफर टू मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जैसे कि कर्ड बटर घी बटर मिल्क ये सारी चीज़ें बार बार वहां पर लिखी गई हैं भी होती थी, okay, मतलब को, मतलब को से उठाने के लिए और ऐसी रेट कर देना, ठीक है ये सब भी है लिटरेरी वर्थ में वन ऑफ द प्राइमरी द किंग वाज टू प्रोटेक्ट द कैटल ऑफ किंगडम और किंग की ये भी ड्यूटी होती थी कि अपने एरिया में जो कैटल है उसकी जो है मतलब रक्षा करना अब आगे चलते हैं वली ठीक like है ए काइंड ऑफ स्वीट पोटैटो ये सारी चीजें भी वहां पर थी जैक फ्रूट मैंगो प्लेटेन कोकोनट अरेकानट सेफरन पेपर टर्मनिक एक्सेट्रा और द किंग्स ऑफ द संगम इज टू ग्रेड मेसर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर अच्छा खासा का काम किया उन्होंने इट इज वेल नोन दैट करिकल चोल डग टैंक्स फॉर इरीगेशन ये जो किंग थे इन्होंने खुदवाए इगेशन वगैरह के लिए अब इंडस्ट्री की बात करें दंगम इज ऑल्सो द इंडस्ट्रियल एक्टिविटीजार्ज स्केरियस काइंडलूडिंग द गोल्ड स्मिथ ब्लैक स्मिथ ठीक है द कॉपर स्मिथ द पॉटर स्कल्प्टर देंटर वीवर ये सारे लोग थे द ऑक्यूपेशन ओके द ऑ ऑ ऑक्युपेशन और प्रोफेशन वॉज जनरली हेरिटरी और डेड डाउन फ्रॉम फादर टू सन ये जो भी काम काज होता था ये हेरी था जो पापा ने किया वही काम बेटा करता था द आर्ट ऑफ बिल्डिंग रीच्ड अ हाई लेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड इन दिस कंटेक्स दर्क ऑफ कार्पेंटर्स आर नोट बोर्ड थी दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द यूज ऑफ बोर्ड्स विद फेस ऑफ द हॉर्स ठीक है एलिफेंट एंड लोन इस तरीके से कारीगरी की गई थी बोर्ड्स के ऊपर ऐसा फेस बनाया गया था कि वो देखते ही बनता है द फोर्नर्स गारमेंट्स विद वूमन फ्लोर डिजाइन इन संगम लिटरेचर ये सारी चीजें भी फ्रॉम ड्रेसिसटन सिल्क एंड वूल बट ऑल्सो फ्रॉम रेड हेयर ओके एंड कलरिंग वॉज ऑल्सो नोन धागों को भी रंगा जाता था द इंडियन सिल्क फॉर इट्स फाइननेस वॉज इन ग्रेट डिमांड बाय द रोम मर्चेंट्स ओके काफी ज्यादा डिमांड थी इसकी ट्रेड की अगर हम बात करें दंगम एज है मेडिट्रेनियन वर्ल्ड यानी कि जो ग्रीस है रोम है इजिप्ट चाइना ठीक है साउथ ईस्ट एशिया एंड श्रीलंका यहाँ पे इनके अच्छे खासे कॉन्टैक्ट थे द लिटरेरी वर्क लाइक सिल्ला पदिकरम मनी मेकलई एंड पट्टिन पलाई फ्रीक्वेंटली रेफर टू द कॉन्टेक्ट ग्रीक एंड रोमन ट्रेडर्स इनके अंदर बताया जाता है ये, मतलब पूरा पूरा लिखा हुआ है दिस पीरियड द हाइट ऑफ द इंडो रोमन ट्रेड अच्छा खासा इंडो रोमन ट्रेड था द पेरिप्लस ऑफ एंड अदर अकाउंट्स ऑफ द फॉर सच एज दोज ऑफ दोनी ठीक है एंड टोलिमी स्ट्रेबो पेट्रोनस ये सारी चीजें अच्छे से मतलब ये लोगों ने मेंशन किया है पोर्ट्स के बारे में भी ओके

प्लांट प्रोडक्ट्स लाइक एरोमेटिक्स एंड स्पाइसिस लाइक पेपर जिंजर काडम क्लोव ठीक है नटमिक्स एक्सेट्रा कोकोनट प्लैटेन जैगरी टीकवुड सैंडलवुड कॉटन क्लॉथ ऑफ स्पेशल वराइटी कोल्ड अरगरू फ्राम उरायर वर ऑल्सो अमंग द चीफ एक्सपोर्ट्स मिनरल प्रोडक्ट्स लाइक डायमंडस बैरल स्टील सेमीप्रेशियस स्टोन्स एक्सेट्रा ये सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है ट्रेड में लिखना है आपको क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट होती थी एंड द मेन आर्टिकल्स ऑफ इम्पोर्ट फ्रॉम रोम इसमें से कॉइंस कोरल वाइन लेड टिन ज्वेलरी ठीक है ये सब इम्पोर्ट था द बीट्स मैन्युफैक्चर एट मैनी साइट्स इन साउथ इंडिया इन द कंटेम्प्रेरी पीरियड है द ट्रेड वॉज मोस्टली कंडक्टेड थ्रू बार्टर ओके बार्टर सिस्टम था ट्रेड वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द रोयल रेवेन्यू तो ये आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा तो इस वीडियो में इतना ही था नेक्स्ट वीडियो में सोसाइटी का है लास्ट टॉपिक और उसके बाद ये यूनिट आपकी फिनिश कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दें जय हिंद जय भारत बहुत बहुत धन्यवाद